आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर होगा और इसे हिंदी में भाषाई कौशल कहा जाता है। वैसे आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है तो आपको ये इंग्लिश में समझना होगा, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करके आपको हिंदी में भी बताती जाऊंगी। लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपका कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सभी में ये टॉपिक जो है वो आपका यूजफुल होगा। तो हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। लैंग्वेज स्किल, जिसे हिंदी में भाषाई कौशल कहा जाता है, मैं इसको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लैंग्वेज स्किल आर जनरली टॉट इन टर्म फोर स्किल। लैंग्वेज स्किल जो है वो फोर स्किल्स में पढ़ी जाती हैं, और वो कौन सी फोर स्किल्स हैं? वो हैं एल, एस, आर और डब्लू। एल से लिसनिंग स्किल, एस से स्पीकिंग स्किल, आर से रीडिंग स्किल और डब्लू से राइटिंग स्किल। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सीक्वेंस में होती है इन्हें आपको तोड़ना नहीं है। सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग और अंत में राइटिंग करता है। लिसनिंग स्किल सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल्स इज फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग स्किल इज फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट और राइटिंग स्किल इज ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इट मीन्स जो लिसनिंग स्किल जो है उसका डेवलपमेंट जो है वह कब होता है? जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं। स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट जब होता है जब हम किसी भी चीज को बोल रहे होते हैं, जैसे कि इस फोनेटिक वर्ड से हम फोन को लगा सकते हैं कि जब भी आप फोन उठाते हैं तो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, तो जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स का डेवलप हो रहा होता है। रीडिंग स्किल जो है वो उसमें कोई भी चीज ग्राफिक तौर पर लिखी गई होती है उसे आप रीड करते हैं, तो इसमें फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट डेवलप होता है। राइटिंग स्किल जो होती है वो जब भी आप उसे लिख रहे होते हैं तब आपकी कौन सी लैंग्वेज का डेवलप होता है? राइटिंग स्किल का। नेक्स्ट, अब इसे अच्छे से और समझ लेते हैं। ये जो फोर स्किल्स होती हैं आपकी एल, एस, आर, डब्लू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये जो स्किल्स होती हैं ये आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो आप इन, जब भी एक क्वेश्चन आता है कि दीज स्किल आर रिलेटेड टू ईच अदर, जब आपका ये ऑप्शन आएगा क्वेश्चंस में कि क्या ये स्किल्स जो हैं वो आपकी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो आप वहां पर इसे टिक करेंगे कि ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश में आपसे यह लिखा हुआ मिलेगा, आपको दीज स्किल आर रिलेटेड टू ईच अदर, और हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा कि अंतः संबंधित होती है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसमें, ये चारों स्किल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और हर स्किल्स की अपनी कुछ खास विशेषता होती है और ये सिक्वेंस में चलती है एल, एस, आर, डब्लू। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेदर ओरल और रिटन, तो जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? या तो ओरली होता है या रिटन होता है, या बोलकर या लिखा हुआ मिलेगा। लैंग्वेज स्किल आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ये जो एल, एस, आर, डब्लू है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? आइए इन्हें समझते हैं। रिसेप्टिव, जिसे पैसिव स्किल भी कहा जाता है, तो इस वर्ड को अच्छे से समझे। रिसेप्टिव का मतलब होता है हिंदी में ग्रहणात्मक, यानी किसी चीज को ग्रहण करना, अपने माइंड में भरना। जब हम किसी चीज को माइंड में भर रहे होते हैं तब हम एक्टिवली जो होते हैं वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके जो दो स्किल्स होते हैं लिसनिंग और रीडिंग, ये कैसी स्किल्स हैं? ये रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि हम जब सुन रहे होते हैं तो हम शांत बैठे होते हैं, जब हमारे कान जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं और हम किसी चीज को सुन रहे होते हैं, तो हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही होती है जब हम किसी चीज को ग्रहण कर रहे होते हैं। और जब भी हम किसी चीज को रीड कर रहे होते हैं तब भी हम उसे अपने माइंड में ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इन दोनों जो स्किल्स हैं आपकी, लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये दोनों की दोनों रिसेप्टिव और पैसिव स्किल होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल होती है। हिंदी में इसे प्रोडक्टिव को उत्पाद कौशल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज को एक्टिवली तौर पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे ये कौशल जो है वो विकसित हो रहे होते हैं। स्पीकिंग स्किल्स के हम अंदर हम कुछ बोल रहे होते हैं तो सामने वाला उसे सुन रहा होता है, यानी कि हम उस चीज का उत्पाद कर रहे हैं, उसका चीज का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं।
और राइटिंग में भी किसी भी चीज़ को बाहर निकाल रहे होते, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो हम उसे लिख रहे होते हैं। तो आपको इन दोनों को अच्छे से समझना है कि रिसेप्टिव और पैसिव स्किल जो होते हैं, जिसमें हम ग्रहण कर रहे होते हैं, लिसनिंग में भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं और रीडिंग में भी हम किसी भी शब्द को या वर्ड को क्या कर रहे होते हैं, उसका मीनिंगफुल लैंग्वेज को ग्रहण कर रहे होते हैं। और प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल जो होती है, उसे भी हम बोलकर या लिखकर बाहर निकाल रहे होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दो बातें जो अच्छे से याद रखनी है, एक तो याद रखनी है सिक्वेंस में है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मिल सकती है LSRW, तो इसे आप याद रखेंगे। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि रिसेप्टिव और पैसिव स्किल जो होती है वो लिसनिंग और रीडिंग होती है, प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल जो होती है वो स्पीकिंग और राइटिंग होती है। अब हम इसके जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। इनसे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं आई है। यदि आई है तो आप इसे वापस जाकर इस वीडियो को दोबारा देखें। क्वेश्चंस हैं आपका 1, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल जो है वो किस टाइप की होती है, कौन सी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट। सेकेंड है यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। थर्ड है राइटिंग रेंज ऑफ स्टाइल। फोर्थ है लिसनिंग एंड रीडिंग। तो आपको मैंने इतनी बार यह समझा दिया है, रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। तो आप इन चारों ऑप्शंस में देख सकते हैं कि कौन सा होगा। तो सी देखिए, राइटिंग रेंज ऑफ स्टाइल, राइटिंग हम एक रेंज तक ले जाते हैं, यहाँ पर इस टाइप की कोई बात नहीं हो रही है। बी है यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसका यूज हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ए बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन 4 है डी, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि किसी चीज को ग्रहण जब कर रहे होते हैं तो कौन सी स्किल्स होती है, लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड है राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। राइटिंग जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कौन से स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन है आपका अल्फाबेटिकली, बी है सिस्टमेटिक, सी है फोनेटिक और डी है ग्राफिकल। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए, राइटिंग जो है इसमें क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में यह समझाया था कि राइटिंग इज अ ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये कैसा है एस्पेक्ट लैंग्वेज का, ग्राफिकली, यानी किसी चीज को हम ग्राफिक तौर पर, ग्राफिकली जो उसके सिंबल्स होते हैं उनको जब हम देखते हैं और उनको जब हम लिख रहे होते हैं, तो वो आपकी कौन सी स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है, राइटिंग, ग्राफिकली। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नोन एज प्राइमरी स्किल। इनमें से, इन चारों में से कौन सी स्किल जो है वो आपकी प्राइमरी लेवल पर काम आती है और जिसे प्राइमरी स्किल कहा जाता है? तो आप इसका आंसर जो है वो अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि अब आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। फर्स्ट है ऑप्शन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या हिंदी में सुनना और वाचन यानी कि बोलना, ये प्राइमरी स्किल है। लिसनिंग एंड राइटिंग, ये प्राइमरी स्किल है। सी है ऑप्शन लिसनिंग एंड रीडिंग, या लास्ट है स्पीकिंग और राइटिंग। तो आपको सीक्वेंस जो है वो याद रखने के लिए इसीलिए बार बार कह रही थी कि आप उसे सीक्वेंस में याद रखेंगे कि तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले छोटा बच्चा लिसनिंग करेगा, उसके बाद स्पीकिंग करेगा, तो ये दोनों जो है वो प्राइमरी स्किल है, क्योंकि अभी उसकी जो ग्रॉस और मोटर स्किल्स जो होती हैं वो अब उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है, वर्क नहीं कर रही होती है, तो राइटिंग तो वो कर ही नहीं सकता है। और चूंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है तो वो उस चीज को पढ़ने में भी असमर्थ है। तो प्राइमरी स्किल जो होती है वो होती है लिसनिंग और स्पीकिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आपका क्या होगा आंसर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। कौन सी एक्टिविटी से हम ध्वनि को पहचानते हैं और फिर मीनिंग निकालते हैं? तो वो कौन सी एक्टिविटी है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग? तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो इन चारों में जिसमें हम ध्वनि को पहचानते हैं, तो ध्वनि
को किससे पहचान सकते हैं? हम उसे अपने कानों से सुनकर पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो स्पीकिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, उसका आंसर होगा आपका लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। राइटिंग इज अ डैश एंड नॉट अ डैश। राइटिंग जो है वो इन चारों में से क्या है और क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें बहुत इजी आंसर है इसका, लेकिन इस तरीके से पूछा गया है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राइटिंग कैसा है? राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है और प्रोसेस नहीं है। क्योंकि ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है, और बी नहीं होगा क्योंकि राइटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट है जो कि हमने पढ़ा था। ए और सी में से कोई हो सकता था। फॉर्मेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका, क्योंकि राइटिंग जो है वो प्रोडक्ट भी है और फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया था। तो राइटिंग इज अ प्रोडक्ट एंड नॉट अ प्रोसेस। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।